There is a writing on the wall because what General says there is Azad Hind Fauj ke 26,000 sainik mare gaye, more than 50%, around 50% of the force. Unka koi ek smarak nahi hai. Now as you have taken the promise and you have got the promise from the culture minister himself, who says now there will be a writing on the wall as the phrase goes. Yes. You know, ये हम कब से 75 साल हो गए हम लोग लगे हुए हैं कि जो शहीद हैं उसका जो देश सम्मान नहीं करता वो देश देश नहीं रहेगा, वो जो देश देश नहीं रहेगा। और हैरत की बात है साहब कि 75 साल हो गए, एक पत्थर नहीं है पूरे देश में जहाँ पे इन 26,000 शहीदों का नाम लिखे, एक पत्थर। और देखिए, एक इसका स्मारक बना था सिंगापुर में 1945 में, नेताजी और आजाद हिंद फौज ने खुद अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया था। सितंबर 1945 में नेहरू जी वहाँ गए थे, भारतीय मूल के लोगों ने बोला कि साहब जरा वहाँ भी मत्था टेक लीजिए, वहाँ 26,000 शहीदों ने जिनकी वजह से आप आज़ाद हो रहे हैं, क्रेडिट तो आपको जा रहा है लेकिन यहाँ 26,000 जिनके परिवार रुल गए, तो वो जाना चाहते थे। उनको फ़ोन आया लॉर्ड माउंटबेटन से, जवाहर यू विल नॉट गो, ठीक है साहब। और लॉर्ड माउंटबेटन ने वहाँ पे अपने मिलिट्री के इंजीनियर्स भेजे अंग्रेज, उन्होंने बारूद लगा के उसके चीथड़े उड़ा दिए, एक पत्थर ठिकरी नहीं बची। देखिए, लेकिन बड़ी हिम्मत की बात है, सिंगापुर में भारतीय मूल के लोगों ने अपनी जेब से पैसा खर्चा, आम नागरिकों ने, और दोबारा वहाँ पे एक शहीद स्मारक बनाया आज़ाद हिंद फौज के 26,000 शहीदों के लिए। तो साहब, मेरा सिर्फ एक सैनिक की दृष्टिकोण से ये पूछना था कि अगर सिंगापुर में भारतीय मूल के लोग जेब से पैसा खर्चा करके वहाँ पे बना सकते हैं एक एक वॉर मेमोरियल, तो अभी तक हमारे देश में क्यों नहीं। मैंने चिट्ठी लिखी थी, मुझे बड़ी खुशी है बदला हुआ माहौल देख के, एक हफ्ते में मेरे को जवाब आया कि साहब इसकी स्वीकृति पीएमओ से आ गई। सर, प्रधानमंत्री जी ने ये भी किया है पिछले 7 साल में, सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट अब पब्लिक डोमेन में भी है और उस पर अब चर्चा और परिचर्चा और उनके गाथा के बारे में डिस्कशन भी हो रहा है, शायद आपको भी बहुत खुशी होगी। देखिए, जितना मोदी जी ने किया है शायद ही किसी और हमारे बड़े राजनेता ने किया है सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, आज़ाद हिंद फौज के लिए। क्या आप जानते हैं कि जो बच गए थे 60,000 में से 26 तो शहीद हो गए, जो बच गए थे उस वक़्त की तत्कालीन सरकार ने उनकी पेंशन पे रोक लगा दी थी, उनको भूखों मरने गलियों सड़कों पे छोड़ दिया गया, ठीक है साहब। ये जब जनता सरकार आई 1977 में तो उन्होंने पेंशन दोबारा जारी की थी, और मैं बड़ी देर से इस मुहिम में लगा हूँ। सन 2019 में हमने प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन किया था और वो एकदम वो आए लाल किले पे आकर, नायक लालटी राम 102 वर्ष का, जो अभी 2 महीने पहले जो परलोक सिधारे हैं, उनके साथ मिलके उन्होंने लाल किले पे दूसरी बार साल में तिरंगा झंडा फहराया। अरे साहब, दिल गदगद हो गया। और उस साल हमारे 4 बचे हुए शहीद जो हमारे सैनिक थे आज़ाद हिंद फौज के, वो रिपब्लिक डे परेड पे लाए गए हमारे अनुरोध से। इस साल हम फिर लाना चाहते थे लेकिन कोविड की वजह से उनकी बढ़ती उम्र देख के हम नहीं ला पाए। कई 102, 101, 98, 99 वर्ष के हैं और उन अभी भी मेरे से सीधा खड़ा होते हैं, इधर के हरियाणा और दिल्ली का घी है, ठीक है साहब। ये सवाल बिल्कुल, एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है, क्या ये ऑल पार्टी डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ऑल पार्टी सहमति नहीं होनी चाहिए हमारे आज़ाद हिंद फौज की गौरव गाथा के लिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कौन अपने आप को देशभक्त कह सकता है जो कि इन लोगों का सलाम नहीं करेगा? आपको आज़ादी मिली है तो ज़्यादातर आज़ाद हिंद फौज की सैक्रिफाइस से। देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, मैंने PhD की है रिटायरमेंट के बाद, ठीक है साहब, तो बड़ी ताज़ी PhD है मेरी मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर। और हमने जो है
जो ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स लंदन में है उनमें जाके स्टडी किया हमने, जो वो तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड क्लेमेंट एटली के कागजात स्टडी किए हमने, जो है आपके लॉर्ड वॉयसराय वेवल, फील्ड मार्शल वेवल, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी चीफ थे, फील्ड मार्शल लॉकिनले, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे, जो गवर्नर थे उस टाइम के लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सबके दस्तावेज पढ़े और हमारे रोंगटे खड़े हो गए साहब। आप जानते हैं अंग्रेज कह रहे हैं, अंग्रेज कह रहे हैं हम गए और गए तो केवल और केवल सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के दबाव से, नहीं तो साहब अभी भी अंग्रेज राज कर रहे होते। लेकिन आपने हमारा पॉलिटिकल सवाल का जवाब नहीं दिया कि सारे पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, इशारा मुख्यतः कांग्रेस पार्टी पे। बिल्कुल साहब, इस मामले में तो आना चाहिए, लेकिन मेरी बुरा मत मानिए, बहुत बड़े दोषी है वो, बहुत बड़े दोषी हैं वो। वो तो ये कह के बोल गए कि साहब वो तो एयर क्रैश में मर गए थे, जबकि बात सत्य ये है, हम जानना चाहते हैं सत्य, सत्य ये है कि वो मंचूरिया पहुंच गए थे, वहां से रूस चले गए थे। भारत ये कि अंग्रेज सरकार के कहने पर स्टालिन ने उनको कैद किया, उनको टॉर्चर करके मारा गया है, आप जानते हैं। आज भी सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार वाले जो उनके पीढ़ी हैं बंगाल में हैं, पूरे हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं, उनकी भी यही आशा है कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जितनी जानकारी हो सके, जो सत्यता है वो सार्वजनिक हो। देखिए साहब, जो भी सरकार के पास कागजात थे वो तो मोदी जी के आदेशों पर सार्वजनिक हो गए। अफसोस की बात यह है जो कि क्रिटिकल फाइल्स थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, खाली फाइल का कवर मिला और उस पर नोट मिला कि ऑन द ऑर्डर्स ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग। बाकी जो क्रिटिकल फाइल्स हैं वो रूस के पास हैं, अंग्रेजों के पास हैं, जो कि वो 100 साल का वेट कर रहे हैं, उसके पहले वो सत्य उजागर नहीं करना चाहते। ठीक है साहब, हमको जोर लगाना पड़ेगा रूस के साथ, जापान के साथ, अमेरिका, फ्रांस, इन सब के पास जो खुफिया दस्तावेज हैं उनको वो निकालें, ताकि सत्य तो उजागर हो, बिकॉज द ट्रूथ कंसर्न्स अस ऑल। आप कैसे आजाद, वेयर वी आर गोइंग डिपेंड्स अ लॉट ऑन वेयर वी केम फ्रॉम, हम कहाँ जा रहे हैं, मुनसर है हम कहाँ से आए, हमें आज़ादी कैसे मिली, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। और 26,000 जो मर गए वो कुत्ते थे क्या, वो इंसान नहीं थे ना, उनके बच्चे नहीं थे, अबे उनके माँ बाप नहीं थे, हाँ गली के कीड़े थे, वो मर गए तो मर गए, हम तो मिनिस्टर उनको बनाएंगे साहब जो कि लाठी खाए, लाठी मेरी भैंस भी खाती। विद कैमरा पर्सन राजेश त्रिपाठी, प्रणव प्रखर, रिपोर्टिंग फॉर विजन टेलीविजन वर्ल्ड।